नवीन जिला शक्ति के कांग्रेस संगठन ब्लॉक हसूद में कांग्रेस ने आज उद्योगपति अडानी के पक्ष में केंद्र सरकार के पूंजीवादी नीति के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा पूरे देश के बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रही है और SBI व LIC जैसे सार्वजनिक संस्थाओं को निवेश करने पर मजबूर कर रही है, जिसमें करोड़ों गरीब लोगों का बचत जोखिम में। भाजपा अपने पूंजीवादी मित्रों के हितों के लिए काम कर रही है। हसूद शक्ति से शशिकांत बघेल की रिपोर्ट। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं 70 साल में आपने क्या किया। नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे, आप सब लोग मैं मंच कमांडर से बताना चाहा था। अनिल अंबानी के लगभग 40,000 करोड़ के लोन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में जो देश में जो केंद्र सरकार है जो पूंजीवादी नीति के तहत अडानी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, उसके विरोध में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हसौद में किया गया। हमने पूरी प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ है और सभी लोगों में उत्साह है। जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो अडानी जो 2014 के पहले जो अमीरों की सूची में 106 नंबर पे हुआ करता था, वो ये 8-9 साल की भारतीय मोदी की सरकार में वो 2 नंबर पर पहुंच गई है। ऐसे अडानी के पास कौन सी जादू की छड़ी लग गई जिसमें इतनी तेज गति से उनका ग्रोथ हुआ है, और जो स्पष्ट दर्शाता है कि जो केंद्र सरकार है उसकी मिली भगत से मोदी अडानी भाई भाई ये चल। आज हमारे जयजयपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत हसौद में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में पहुँचे हुए हमारे आदरणीय सभी कांग्रेस के जाबाज साथी लोग पहुँचे हुए हैं और हम लोग मोदी के भ्रष्टाचार अत्याचार को हमारे मोदी जी जितना उद्योगपति है चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो चाहे अडानी हो, सबको हमारे ट्रेन को बेचने का काम कर रहा है, हमारे बैंक को बेचने का काम कर रहा है, हमारे जनता को परेशान करने का काम कर रहा है। और हमारे भूपेश बघेल जी जनता के लिए आज हमारे बजट का पेटारा खोल दिया है। उन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सब लिए योजना बनाया है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।